हेलो हेलो स्टूडेंट्स, मैं पीजी कॉलेज छिंदवाड़ा से डॉक्टर विनोद महुरपवार आपके बीच रिलेशंस के बारे में बात करने के लिए उपस्थित हुआ हूँ। रिलेशन के बैकग्राउंड में हमें दो शब्दों को जानना जरूरी है, एक शब्द हमारा मैपिंग और दूसरा हमारा फंक्शन। मैपिंग के में जब हम बात करते हैं तो हम ये कहते हैं कि वहाँ पर हमारे पास में मोटे तौर पर दो टाइप्स होते हैं, एक होता है वन वन और एक होता है मिनिमम वन। लेकिन जब हम फंक्शन की बात करते हैं तब हमारे पास में एक का एक के साथ रिलेशन होता है, और इस तरह के काम हम तब करते हैं जबकि हम किसी प्रैक्टिकल में, जनरली फिजिक्स के प्रैक्टिकल में या और किसी प्रैक्टिकल में हम ग्राफ को प्लॉट करते हैं, तब हमारे पास में एक चीज नोन होती है, उसी करस्पॉन्डिंग हमारे पास में दूसरी चीज मिलती है। तो नोन के लिए जब हमको केवल एक ही एक नोन के लिए एक अननोन वैल्यू मिलती है तब हम इसको जनरली फंक्शन कहते हैं। इसके अलावा एक शब्द हमारे को रिलेशन को समझने के लिए एक शब्द का जानना जरूरी है कि हमारे पास में स्टेटमेंट क्या होता है, मैथमेटिकल स्टेटमेंट। मैथमेटिकल स्टेटमेंट का मतलब ये होता है कि ऐसा वाक्य जिसका कि हम अर्थ या जिसका कंक्लूजन हम हाँ या जिसका आंसर हम हाँ या ना के रूप में दे सकते हैं। तो जब ऐसे वाक्य हम बोलते हैं तो उसे हम मैथमेटिकल स्टेटमेंट कहते हैं, जो कि डिस्क्रीट के शुरुआत की बात है। तो जब हम रिलेशन की बात करते हैं तब हमारे पास हमें जो रिलेशन जो दिया गया है वो कोई ना कोई स्टेटमेंट होगा, ये हमें सोचकर चलना होगा। मैपिंग और फंक्शन के बारे में बता चुका आप लोगों को। तो हमारे पास मैपिंग जो है वो वन वन एंड मेनी वन है, जबकि फंक्शन जो है वो हमेशा वन वन होगा। फंक्शन का ही एडवांस रूप जो है वो रिलेशन होगा, और उसमें हम ये कहेंगे कि वन से मेनी के बीच हम रिलेशन डिफाइन करेंगे, और ये चीज तब सामने बहुत अच्छे से क्लियर होकर आएगी जब हम तुल्यता संबंध या इक्विवेलेंस रिलेशन की बात करेंगे और इक्विवेलेंस क्लासेस की बात करेंगे। तब हमारा ट्रांजिटिविटी जो है वो एक एलिमेंट को दूसरे और फिर उसको तीसरे एलिमेंट से जोड़ेगा, और इस तरह से हम ये कहेंगे कि ये वन टू मैनी हो रहा है, जबकि मैपिंग में ऐसा कभी नहीं होता है कि वन से मैनी हो। वहां पर हमारे पास केवल दो ही ऑप्शन है, या तो हम वन ऑब्जेक्ट को वन इमेज से जोड़ते हैं या हम मेनी ऑब्जेक्ट को वन रिलेशन वन इमेज से जोड़ते हैं। रिलेशन के बारे में बेसिक कॉन्सेप्ट यह है कि हमारे पास में रिलेशन इज अ रिलेशनशिप बिटवीन सेट्स ऑफ वैल्यूज। तो हमारे पास में सेट्स हैं जिनमें कुछ एलिमेंट्स हैं, उनमें कुछ वैल्यूज हैं, या कुछ कह लीजिए कि जो भी कुछ है ना, और उनके बीच में हम ये कहते हैं x की कोई वैल्यू जो है वो y के किसी वैल्यू से जुड़ती है, और इस तरह से जो हमारे पास में इस तरह ऑर्डर्ड पेयर बनता है, यानी कि x का एक एलिमेंट y के एक एलिमेंट से जुड़ता है, तो ये जो ऑर्डर्ड पेयर बनता है उसे हम उस को जोड़ने की प्रक्रिया को हम रिलेशन कहते हैं। जो सेट x सेट है जहां पर कि हम कह रहे हैं कि जहां से एलिमेंट लिया गया था, पहला एलिमेंट उठाया गया था, उसे हम डोमेन कहते हैं, और y की वैल्यू यानी कि जहां पर वो जुड़ता है वहां उस सेट को हम रेंज सेट या जिसे हिंदी में हम प्रांत और परिसर कहते हैं। अ रिलेशन बिटवीन टू सेट्स इज अ कलेक्शन ऑफ ऑर्डर पेयर कंटेनिंग वन ऑब्जेक्ट फ्रॉम ईच सेट। इफ द ऑब्जेक्ट x इज अ फॉर्म फ्रॉम द सेट फर्स्ट एंड द ऑब्जेक्ट y फ्रॉम द सेट सेकेंड सेट। तो इस तरह से जब हमने बाइनरी रिलेशन या क्रमिक संबंधों की बात की थी तब हमने कहा था कि हमारे पास में हम ए और बी दो नॉन एम्प्टी सेट ले रहे हैं और हम उनके बीच में एक्स वाई कह रहे हैं, तब हम ये कहते हैं कि वो ए बी के फॉर्म में लिखे जाते हैं, क्रमिक सेट के रूप क्रमिक समुच्चय के रूप में लिखे जाते हैं, जहां पर कि हम कहते हैं कि पहला एलिमेंट जो है वो ए में बिलोंग करेगा, दूसरा एलिमेंट जो है वो बी में बिलोंग करेगा। तो इस तरह से ऑर्डर्ड पेयर के फॉर्म में हमारा रिलेशन का जो है कंस्ट्रक्शन होता है। अ फंक्शन इज अ टाइप ऑफ रिलेशन। फंक्शन जो है वो एक टाइप ऑफ रिलेशन है, लेकिन रिलेशन मे नॉट बी अ फंक्शन, ठीक, क्योंकि फंक्शन और रिलेशन में हमने एक अंतर ये बताया कि फंक्शन में हम एक ऑब्जेक्ट को एक इमेज से जोड़ते हैं, जबकि हमारे रिलेशन में ये होता है कि हमारे पास में एक ऑब्जेक्ट जो है वो मल्टीपल इमेजेस से जुड़ता है, और इस तरह से फंक्शन जो है वो हमेशा एक रिलेशन का एक टाइप हो सकता है। ये इस तरह का कॉन्सेप्ट है। इफ ए एंड बी टू नॉन एम्प्टी सेट्स एंड आर इज अ रिलेशन फ्रॉम ए टू बी देन आर इज अ फंक्शन इफ इट रिलेट्स ईच एलिमेंट ऑफ ए टू अ यूनिक एलिमेंट ऑफ बी। तब हम ये कहते हैं कि ये
हमारे पास में फंक्शन जो है वो रिलेशन का इस तरह का टाइप है, जबकि हम ये कहते हैं कि रिलेशन के एक ए सेट के एलिमेंट को बी के यूनिक एलिमेंट से जोड़ता है, जबकि रिलेशन में ऐसा नहीं होगा। इसके लिए हम ये देख रहे हैं एक उदाहरण के, हम ये कह रहे हैं कि ए और बी, चूंकि कहा गया है कि नॉन एम्प्टी सेट होना कंपलसरी है, ए में हमारे पास में तीन एलिमेंट है से 2, 3 और 4, बी में 4, 6, 8 और 10, देन अ फ्यू एग्जांपल ऑफ द रिलेशन फ्रॉम ए टू बी आर, ये हमारे पास में पहला रिलेशन हम बता रहे हैं जिसमें हम कह रहे हैं कि हमारे पास में एक्स क्रॉस वाई को कैसे डिफाइन किया गया है, वाई इज एक्स प्लस 6, y जो है कैसा लिखा जाता है, जब हम x को लेते हैं तो y हमको कैसा मिलेगा, x की वैल्यू में 6 का हम सम कर दे तो हमें y वैल्यू मिलेगी। दूसरा उदाहरण, तो इस तरह से हमने जो एलिमेंट लिए थे उसके आधार पर हम कह सकते हैं कि दिए हुए कलेक्शन में जहां पर कि a में सर्टन एलिमेंट्स दिए गए थे, b में कुछ सर्टन एलिमेंट्स दिए गए थे, तो हमारे पास में 2, 8, 4, 10 ये इस तरह के होंगे। दूसरा उदाहरण हम ये कह रहे हैं कि हमारे पास रिलेशन ये दिया गया है कि y इज ग्रेटर देन x स्क्वायर, तो उन्हीं एलिमेंट से हम कह सकते हैं कि वो ग्रेटर और इक्वल रिलेशन के कारण हम ये कहेंगे कि 2 जो है वो 4 से जुड़ेगा, 2 6 से जुड़ेगा, 2 8 से होगा, 2 10 से होगा, 3 10 से होगा, क्योंकि हमारे पास में कहा गया है कि y और x के बीच रिलेशन ये है कि y इज अ बिगर देन और इक्वल टू x स्क्वायर, x हमारे पास में 2 है और इस तरह से हमें कहा कि वो या तो 4 होगा इक्वल के साइन के साथ में, या फिर बाद में बढ़ करके हमारे पास 6, 8, 10 मिलेगा। रिलेशंस के हम टाइप देख रहे हैं, पहला है हमारे पास में वॉइड। वॉइड का मतलब ये होगा कि रिलेशन आर इन अ सेट ए इज सेट टू बी वॉइड या एम्प्टी रिलेशन इफ नो एलिमेंट ऑफ ए रिलेट्स टू एनी एलिमेंट ऑफ बी, यानी कि हमारे पास में जो स्टेटमेंट दिया गया है जो कि एलिमेंट्स को आपस में जोड़ने के लिए कारक बन रहा है, वो स्टेटमेंट हमारा यहाँ पर किसी भी एलिमेंट को जोड़ नहीं पा रहा है, तो उस स्थिति में हम ये कहेंगे कि इस तरह का जो रिलेशन होगा वो एम्प्टी या वाइड होगा। आइडेंटिटी एलिमेंट के लिए, आइडेंटिटी रिलेशन के लिए हमारे पास में ये है, इसे हम आई से डिफाइन करते हैं, उसमें ये होता है कि ऑब्जेक्ट और इमेज या सेट ए और बी के जो एलिमेंट्स हैं वो क्या होंगे, समान होंगे, और इसलिए हम ये कहते हैं कि ये इस तरह से है कि वो ए क्रॉस ए के फॉर्म में लिखा जाएगा, जहां पर हमारे ऑर्डर्ड पेयर जो है वो ए ए बी बी सी सी होंगे, जहां पर कि ए बी सी जो है हमारे पास में ए सेट में मिलते हैं। एग्जांपल हमारे पास में है कि हम ये कह रहे हैं ए जो है वो क्या है 1, 2, 3, तब हमारे पास में आई ए जो होगा वो क्या होगा 1, 1, 2, 2, 3, 3, यानी कि जो हमारा ऑब्जेक्ट का एलिमेंट है वही यदि हमारा इमेज का एलिमेंट होगा तो इस तरह के रिलेशन को हम कहते हैं कि यह है एक आइडेंटिटी रिलेशन है। अब इसके बाद में हमारे पास में बाइनरी या द्विचर संबंध की बात हो रही है, इसमें हमारे पास में 2 नॉन एम्प्टी सेट का होना जरूरी है, और हम ये कहेंगे कि कोई एक स्टेटमेंट है जो कि ए और बी को रिलेट करता है, जोड़ता है, और इसको हम कहते हैं कि वो ए क्रॉस बी के फॉर्म में होगा, और आर जो है वो सबसेट होगा ए क्रॉस बी के। ये सबसेट भी हो सकता है या प्रॉपर सबसेट भी हो सकता है या इक्वल भी हो सकता है। इक्वल होने की कंडीशन या प्रॉपर या इक्वल होने की कंडीशन हम इस तरह से कह सकते हैं कि यदि एक किसी हॉल में कुछ लड़का लड़की बैठे हुए हैं और यदि उनमें से प्रत्येक जो है वो प्रत्येक लड़की किसी न किसी लड़के की बहन है, तो उस स्थिति में हम ये कहेंगे रिलेशन जो है वो ए क्रॉस बी के बराबर होगा। और यदि मान लीजिए कुछ बच्चियां इस तरह के अपने भाइयों के साथ नहीं बैठी हैं लेकिन उनकी संख्या ज्यादा है, तो उस स्थिति में हम ये कहेंगे कि आर जो है वो सबसेट होगा या प्रॉपर सबसेट होगा ए क्रॉस बी का। तो आर को हम इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं कि वो ऑर्डर्ड पेयर के टर्म में होगा, यानी कि हमारे पास एक्स वाई होगा, एक्स ए में मिलेगा, वाई बी में मिलेगा, और एक्स जो है वो आर रिलेटिव टू होगा वाई के। तो ये आर जो है वो क्या काम कर रहा है कि एक्स को वाई के साथ में किसी दिए हुए कंडीशन या जिसे हम स्टेटमेंट कह रहे हैं, मैथमेटिकल स्टेटमेंट है, उससे वो जोड़ रहा है। एक्स आर वाई इंडिकेट दैट एक्स इज आर रिलेटेड टू वाई, और इसको पढ़ते हैं हम एक्स इज आर रिलेटेड टू वाई। ये जो टर्म है उसको हम दूसरे ढंग से भी कह सकते हैं, टर्म नहीं है वो टर्म है, टर्म को हम कहते हैं कि करस्पॉन्ड्स डायडिक रिलेशन टू प्लेस रिलेशन। ये डायडिक और टू प्लेस हमारे पास में, करस्पॉन्ड का मतलब ये है एक्स जो है वो वाई के साथ करस्पॉन्ड कर रहा है, या डायडिक का मतलब दो के बीच में जो बाइनरी शब्द है उसी का दूसरा अर्थ क्या होता है, डायडिक होता है, तो इस तरह से हम डायडिक रिलेशन कहेंगे। और या तीसरा कहते हैं टू प्लेस, मतलब एक्स और वाई जो है वो टू प्लेसेज हैं उनके बीच में रिलेशन होगा। तो इस तरह से इसके हमारे समानार्थी शब्द जो है वो है करस्पॉन्डेंट डायडिक रिलेशन
या टू प्लेस रिलेशन। अब इसमें चूंकि हमें कहा गया था कि जब हम रिलेशन की बात करते हैं तो हमारे पास में कोई मैथमेटिकल स्टेटमेंट होना चाहिए, तो हम ये कहते हैं कि वो स्टेटमेंट जो है वो क्या, इज ग्रेटर देन, इज लेस देन, इज इक्वल, इज डिवाइडेड, डिवाइड्स, इस तरह के जो टर्म्स हैं जहां पर कि हमारे पास में या तो आंसर हाँ या ना मिलेगा, तो हमारे पास में ये वो स्टेटमेंट्स हैं जो कि आर का रोल प्ले करेंगे। जिस तरह से मैपिंग में हमारे पास में डोमेन, प्रांत और परिसर थे, उसी तरह से हमारे रिलेशन के लिए भी, बाइनरी रिलेशन के लिए भी हमारे पास डोमेन एंड रेंजेस होंगे। तो हम आर के को जिस तरह से यू अभी तक के डिफाइन करते रहे हैं या सिंबॉलिक एक्सप्रेस करते रहे हैं, उसमें हम ये कह रहे हैं कि वो कलेक्शन है उन सारे एक्स वाई का जो कि ऑर्डर्ड या क्रमिक रूप में लिखे जाते हैं, जिसमें पहला एलिमेंट जो है क्रमिक युग्म का पहला एलिमेंट हमेशा ए सेट का होगा, दूसरा एलिमेंट जो है वो बी सेट का होगा, और हम ये कहेंगे कि एक्स और वाई के बीच में ये है कि एक्स इज आर रिलेटेड टू वाई। ये हमारे पास में है जहां पर कि हम ये कह रहे हैं कि द तो फर्स्ट कोऑर्डिनेट जो है ऑर्डर पेयर का, जहां हम कह रहे हैं एक्स कॉमा वाई, तो ये जो एक्स का कलेक्शन है वो हमारा पास में होगा आर के लिए डोमेन, और जो सेकेंड कोऑर्डिनेट है यानी कि हम वाई कह रहे हैं जो कि बी का एलिमेंट है, उसे हम कहते हैं रेंज ऑफ आर, क्योंकि आर ही कारक है जो कि उनको क्या कर रहा है, फर्स्ट एंड सेकेंड प्लेस में रख रहा है, इसलिए हम ये कहेंगे कि ये आर के करस्पॉन्ड में हमारे डोमेन एंड रेंज है। इसको हम सिंबॉलिकली डिफाइन करते हैं, D of R is the domain of R, यानी प्रांत R का प्रांत है। यह हमने कहा था जैसे कि ये ordered pair के first element को रखता है अपने में, यानी कि वो X को रखता है जहाँ X जो है वे A में है, और हम कहते हैं एक्स वाई आर में है, फॉर सम वाई बिलोंग्स टू बी, जहां पर कि वाई जो है कहीं पर बी में पाया जाता है, कोई एलिमेंट है बी का, वाई बी का कोई एलिमेंट है जो कि आर रिलेटेड होता है। ठीक है, रेंज ऑफ आर को हम स्मॉल आर आर के रूप में लिखते हैं, जिसे रेंज ऑफ आर कहते हैं। जैसा मैंने कहा था, रेंज जो है वो क्या है, हमारे पास में इमेजेस का कलेक्शन है जो कि आर रिलेटेड कर रही है एक्स के साथ में, अर्थात सेकेंड कोऑर्डिनेट है ऑर्डर पेयर के, तो हम कह रहे हैं वाई, वाई बिलोंग्स टू बी, और एक्स वाई जो है वो आर में पाया जाता है, फॉर सम एक्स बिलोंग्स टू ए। इसके बाद में हमारे पास में जैसे हमने कहा था मैपिंग्स के बारे में या फंक्शंस के बारे में कि उसके प्रतिलोम होते हैं, यहाँ पर भी हमारे पास में रिलेशन जो है वो उसका भी इनवर्स होगा। तो हम कह रहे हैं कि आर जो है वो इज अ सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी, और ये किसी सेट ए ए और किसी किन्हीं अरिक्त समुच्चयों ए और बी, नॉन एम्प्टी सेट्स ए और बी पर डिफाइन किया जा रहा है। तब हम इस R के इनवर्स को या प्रतिलोम संबंध को R इनवर्स से डिफाइन करते हैं जो कि B को A से रिलेट करेगा। R इनवर्स इज अ YX जहां पर एक्स वाई बिलोंग्स टू R, X बिलोंग कर रहा है A में, Y बिलोंग कर रहा है B में। तो इस तरह से हमने देखा R और R इनवर्स के बीच रिलेशन ये है कि एक्स वाई में यदि हमें ऑर्डर्ड पेयर एक्स वाई मिल, R में यदि हमारे पास में ऑर्डर्ड पेयर एक्स वाई मिल रहे हैं, तो R इनवर्स में हमारे ऑर्डर्ड पेयर जो है वो YX होंगे, अर्थात R का डोमेन जो है वो R इनवर्स का रेंज होगा, और R का हमारा रेंज जो है वो R इनवर्स का डोमेन बन जाएगा। R जो है वो A के एलिमेंट को, कैपिटल A सेट के एलिमेंट को B सेट के एलिमेंट से रिलेट करता है, R इनवर्स का जो है वह B के एलिमेंट को या रेंज सेट के एलिमेंट को डोमेन से रिलेट करता है। तो इस तरह से हमारे पास में R R इनवर्स के बीच में हमने अंतर समझा कि R R इनवर्स जो है वो एक दूसरे के अपोजिट है। अब इसके बाद में है कंपोजिट रिलेशन, संयोजित रिलेशन या संबंध। जिस तरह से मैपिंग में भी हम ये कहते हैं संयोजित मैपिंग की बात करते थे, उसी तरह से यहाँ पर भी है हमारे पास में। हम ये कह रहे हैं कि हमारे पास में सेट्स का होना जरूरी है जो कि अरिक्त हो, और वो तीन सेट्स है ए और ए बी और सी। आर जो है वो ए को बी के साथ आर रिलेट करता है, और दूसरा जो हमारे पास एस रिलेशन है वो बी को सी से रिलेट करता है। अब यदि हम इन दोनों का R और S का कंपोजिट करते हैं तो नेचुरली वह हमारे पास में क्या होगा, A के एलिमेंट को C से जोड़ेगा। A के एलिमेंट को, A एलिमेंट ऑफ A इज R रिलेटेड, R O S रिलेटेड टू C,
या कंपोजिट जो हो रहा हमारे पास में, हम आर ओ एस के टर्म में लिखते हैं, तो हमारा कंपोजिट को सिंबॉलिकली या मैं एक्सप्रेस इस तरह से कर सकते हैं, एस ओ आर इज इक्वल टू एक्स जेड, देयर एग्जिस्ट एन एलिमेंट वाई बिलोंग्स वाई सच दैट एक्स वाई बिलोंग्स टू आर एंड वाई जेड बिलोंग्स टू एस। तो इस तरह की चीजें हमारे पास में मैपिंग में भी होती थी, वही चीज हम लेके चल रहे हैं कि हमारे पास में पहले रिलेशन का रेंज दूसरे रिलेशन के डोमेन के बराबर हो, तभी हम इनके बीच में दो आर और एस रिलेशन के बीच में कंपोजिशन कर सकते हैं। तो फिर से मैं दोहराऊं, एस ओ आर यानी एस और आर का कंपोजिशन जो है वो लिखा जाएगा ऑर्डर पेयर एक्स जेड के टर्म में। यहां पर हम वाई को एलिमेंट जो कि बी में मिल रहा है उसको इंट्रोड्यूस करेंगे, और इस तरह से हम कहेंगे कि चूंकि R और S दोनों रिलेशन हैं, इसका मतलब हमारे पास में एक्स वाई ऑर्डर पेयर जो है वो R में मिलेगा और वाई जेड जो ऑर्डर पेयर है वो S में मिलेगा। तो इस तरह से, और यहाँ पर हम X के लिए कह रहे हैं कि वो A में होगा, जेड जो है वो C में होगा। इसको हम सिंबॉलिक ऐसे डिफाइन कर सकते हैं, जो मैंने अभी तक एक्सप्रेस किया उसको हम कह सकते हैं एक्स वाई बिलोंग्स टू R, वाई जेड बिलोंग्स टू S, ये इम्प्लाई करेगा एक्स जेड बिलोंग्स टू एस ओ आर। तो ये हमारा कंपोजिशन हुआ। तो जिस तरह से हमने कहा था कि आर के लिए हमें इनवर्स मिलता है, उसी तरह से हम ये कह सकते हैं कंपोजिट रिलेशन के लिए भी हमें इनवर्स मिलेगा। तो हमारे पास में चूंकि हमने कहा था एक्स जेड जो है वो एस ओ आर में मिलते हैं, तो नेचुरली हमारे पास में यदि हम उसका अपोजिट करते हैं, जैसे कि हमने इनवर्स के रिलेशन इनवर्स रिलेशन की डेफिनेशन में कहा था कि एक्स वाई बिलोंग्स टू आर देन वाई एक्स बिलोंग्स टू आर इनवर्स, तो नेचुरली क्या हो रहा है हमारे पास में डोमेन और रेंज जो है अपने इस प्लेसेस को अगर इंटरचेंज कर लेते हैं, आपस में बदल लेते हैं, तो हमें इनवर्स मिलता है। तो हमारे पास में जेड एक्स जो है वो एस इनवर्स ओ आर इनवर्स होगा। ये एक इंपॉर्टेंट थ्योरम है जिसको कि रिवर्सल रूल कहते हैं, और इसमें कहा गया है आर इनवर्स और एस इनवर्स जो है वो आर और एस के इनवर्सेज हैं, इनवर्स रिलेशंस हैं, तब हम कहते हैं एस ओ आर इनवर्स इज इक्वल टू आर इनवर्स ओ एस इनवर्स। ठीक है, बात समझ में आ गई होगी कि जब हमारे पास में कहा गया है आर और एस रिलेशंस हैं, उनके इनवर्सेज दे दिए गए हैं, और यदि हम एस ओ आर यानी कंपोजिट ऑफ टू रिलेशंस को करते हैं, उनका इनवर्स लेते हैं, उनके ऑर्डर में चेंज हो जाता है, हम कहते हैं कि वो एस ओ आर इनवर्स जो है वह आर इनवर्स ओ एस इनवर्स के टर्म में एक्सप्रेस होगा या इक्वल होगा। तो चूंकि हमारे पास में दो रिलेशंस हैं, इसका मतलब हमें तीन नॉन एम्प्टी सेट्स का मिलाना जरूरी है, का रखना जरूरी है। हम ये कह रहे हैं कि ए बी सी तीन नॉन एम्प्टी सेट्स हैं, आर और एस जो है वो ए बी ए से बी और बी से सी को जोड़ने वाले रिलेशंस हैं, और या हम इसे मैथमेटिकली कह सकते हैं कि आर इज अ सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी, एस इज अ सबसेट ऑफ बी क्रॉस सी, देन एस ओ आर जो है वो क्या होगा ए क्रॉस सी होगा, जो कि हमने अभी डेफिनेशन में देखा कि दो रिलेशंस को कंपोजिट हम किस तरह से करते हैं। हम ये कहते हैं कि पहले रिलेशन का डोमेन एलिमेंट और दूसरे रिलेशन का रेंज एलिमेंट को यदि हम लेके चले, तो हमारे पास में जो रिलेशन मिलेगा वो एस ओ आर होगा। अब हमारे पास में चूंकि इनवर्स की डेफिनेशन है, इनवर्स की डेफिनेशन क्या कहती है, आर इज इक्वल टू आर यदि हमारा एक्स वाई है तो आर इनवर्स क्या होता है वाई एक्स होता है। तो उसी को हमने अप्लाई किया, हमारे पास में एस ओ आर के लिए कहा गया कि ए क्रॉस सी है, तो नेचुरली एस ओ आर का इनवर्स यदि हम लेके चलेंगे तो वो क्या बनेगा सी क्रॉस ऑफ ए, रेंज जो है वो डोमेन और डोमेन जो है वो रेंज में बदल जाएगा। अब हम ये लेके चल रहे हैं कि एस ओ आर इनवर्स के एलिमेंट लेके चल रहे हैं, चूंकि हमारे पास में कहा है कि सी का एलिमेंट लेके चलना है, तो हम सी के एलिमेंट को लेके चल रहे हैं। हम कह रहे हैं कि एक्स जो है वो ए में मिलता है, वाई बी में मिलता है और जेड जो है वो सी में मिलता है, तो जेड एक्स जो ऑर्डर पेयर है उसको हम कह रहे हैं कि एस ओ आर इनवर्स में मिल रहा है, और जो कि एक आर्बिटरी यानी कि बिना कंडीशन का स्वेच्छ अवयव है। देन तब हम ये कह सकते हैं जेड एक्स बिलोंग कर रहा है एस ओ आर इनवर्स, इसका मतलब इनवर्स की डेफिनेशन से हम ये कह सकते हैं कि हम उसका भी इनवर्स ले लें, तो हम आपस में क्या मिलेगा एक्स जेड मिलेगा, जो कि एस ओ आर में होगा, कंपोजिट में कंपोजिशन ऑफ आर एंड एस में मिलेगा। अब जब हम कंपोजिशन करते हैं या कंपोजिट मैपिंग की फंक्शन की रिलेशन की बात करते हैं, तो हमारे पास में क्या होना चाहिए
कि बीच में कोई एलिमेंट को इंट्रोड्यूस करना होगा जो कि दो रिलेशंस को जोड़ेगा, तो हमारे पास में y बिलोंग्स टू b ऐसा होगा कि एक्स वाई जो है वो r में जाएगा, वाई जेड जो है वो s में जाएगा, और हम कहेंगे कि y, चूंकि हमारे पास में r और s के बारे में कहा गया कि वो रिलेशन है तो उनके हमारे पास में इनवर्स रिलेशंस होंगे, तो इसको हमने ऑर्डर चेंज कर दिया, एक्स वाई को हमने वाई एक्स कर दिया, तो नेचुरली वो r इनवर्स में मिलेगा, वाई जेड को हमने s में रखा था का एलिमेंट लेके चले थे, तो जेड वाई जो है वो s इनवर्स में मिलेगा। अब हम आपस में क्या है, वाई जेड मिल रहा है s इनवर्स में, चूंकि मैंने कहा था कि जब हम कंपोजिट करते हैं तो हमारे पास में क्या होना चाहिए, पहले सेट का, पहले रिलेशन का रेंज दूसरे रिलेशन के डोमेन के बराबर होना चाहिए, इसलिए हमने y को बीच में लाना है, और y को बीच में लाना है का इसका मतलब ये होगा कि हम s इनवर्स को के अवयव को पहले लिखें फिर r इनवर्स के लिखें, क्योंकि y जो है वो हमारा कॉमन एलिमेंट बन रहा है, तो हमने कहा z y बिलोंग्स टू s इनवर्स एंड y x बिलोंग्स टू r इनवर्स, तो इसका मतलब ये होगा कि z y चूंकि कॉलम एलिमेंट है तो इसलिए हमारे पास में z x जो है वो r इनवर्स हो s इनवर्स में होगा, यानी दो रिलेशन जिनको कि हम r इनवर्स और s इनवर्स कह रहे हैं उनका हमने कंपोजिट कर दिया, हमने y एलिमेंट को वहां से हटा दिया और z को हमने x के साथ में r इनवर्स ओ s इनवर्स से रिलेट कर दिया, तो इस तरह से हम ये कह सकते हैं zx belongs to s o r इनवर्स, इंप्लाई कर रहा है zx belongs to r इनवर्स ओ s इनवर्स, हमने जो एलिमेंट लेके चले थे r o s इनवर्स का उसी को हमने बता दिया r इनवर्स ओ s इनवर्स में मिल रहा है, क्योंकि हमारे पास में zx जो है वो आर्बिट्री एलिमेंट था, तो इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि इस कलेक्शन में यानी कि ए बी सेट के वो सारे एलिमेंट्स जो कि आर और एस रिलेशन को लेकर को मानते हैं उनके लिए, उन सारे एलिमेंट्स के लिए हम ये कह सकते हैं कि एस ओ आर इनवर्स इज अ सबसेट ऑफ आर इनवर्स ओ एस इनवर्स। सिमिलरली हम दूसरे साइड से भी इस चीज को डिफाइन कर सकते हैं, यानी पूरा प्रक्रिया जो है वो हम उल्टी कर दें, जेड एक्स को हम बता दें आर इनवर्स ओ एस इनवर्स, और ऊपर हम वापस जाते जाएं तो हमारे पास में मिलेगा कि आर इनवर्स ओ एस इनवर्स का एलिमेंट जो है वो एस ओ आर इनवर्स का एलिमेंट बन जाता है, और ये दोनों रिलेशन हमको बताएंगे कि हमारा एस ओ आर इनवर्स बराबर होता है आर इनवर्स ओ एस इनवर्स, तो ये रिलेशन के लिए रिवर्सल रूल है। अब इसके बाद में हमारे पास में टाइप्स की बात आती है, जब हम टाइप्स की बात करेंगे तभी हमारे पास में इक्विवेलेंस रिलेशन की बात आ पाएगी, तो टाइप ऑफ बाइनरी रिलेशन द्विचर संबंधों के में प्रकारों की बात कर रहे हैं, तो पहला है हमारे पास स्वतुल्यता जिसे कि हम इंग्लिश में रिफ्लेक्सिव रिलेशन कहते हैं। रिफ्लेक्सिव रिलेशन में ये होता है कि हर एलिमेंट जो है वो अपने आप से रिलेट करता है, जब हर एलिमेंट जो है वो अपने आप से रिलेट करेगा तो नेचुरली हमारे पास में जो दूसरा सेट हम बाइनरी का लेके चल रहे हैं उसका भी ए यानी कि पहले सेट के बराबर होना जरूरी है, तो इस तरह से हम ये कह रहे हैं कि ये ए इज अ नॉन एम्प्टी सेट, आर इज अ बाइनरी रिलेशन सच दैट आर इज अ सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी, देन आर इज कॉल्ड द रिफ्लेक्सिव या स्वतुल्य होगा, और इसे हमने कहा कि जिसमें डोमेन और रेंज जो है एलिमेंट एक से होते हैं तो इसे हम कहते हैं एक्स आर एक्स, एक्स जहां पर कि हमारा ए का एलिमेंट है, तो फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू ए, यदि हम कहें कि एक्स जो है वो आर रिलेट हो रहा है या आर में मिल रहा है, तो उस स्थिति में हम इस तरह के रिलेशन को कहते हैं कि यह एक स्वतुल्य या रिफ्लेक्सिव रिलेशन है। इसके एग्जाम्पल हम देखें, हमारे पास में एक है एक ए सेट है एक दो तीन, आर को हम कह रहे हैं कि वन 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 थ्री टू टू, तब ये जो आर स्मॉल आर है उसे कैपिटल समझे कि आर रिलेशन जो है वो रिफ्लेक्सिव नहीं है, क्योंकि तीन जो है वो चाहे में नहीं मिल रहा, हमारे पास में नहीं मिल रहा है, हमारे पास में क्या वन वन मिल रहा है, टू टू मिल रहा है, लेकिन थ्री थ्री नहीं मिल रहा है। हमने क्या कहा था कि फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू ए एक्स आर एक्स, ए में मिलने वाले प्रत्येक अवयव के लिए यदि हम यह बता पाए कि वो क्या हो रहा है, पहला एलिमेंट जो है वो रिलेट हो रहा है अपने आप से फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू ए, तो ए में हमारे पास में तीन एलिमेंट है लेकिन हमारे पास में तीन तीन जो है वो क्या है हमें
रिलेशन में आर में नहीं मिल रहा है, हमें मिल रहा है 1-1 मिल रहा है, 2-2 मिल रहा है, 1-3 मिल रहा है। यदि हमें 3-3 भी मिल जाता तो हम कह सकते थे कि इस तरह का रिलेशन जो है वो कैसा है, इज अ रिफ्लेक्सिव या स्वतुल्य है। दूसरा हमारे पास में सममित या जिसे हम ट्रांसिमेट्रिक रिलेशन कहते हैं, इसमें हमारे पास में है इफ आर इज अ रिलेशन इन अ सेट ए देन आर कैपिटल आर इज कॉल्ड सिमेट्रिक इफ द रिलेशन आर ए इज आर रिलेटेड टू बी एंड स्मॉल बी इज आर रिलेटेड टू ए। ये कैपिटल बी जो है उसे स्मॉल बी समझे। तो इस तरह से हमारे पास में कहें कि ए जो है वो बी से आर रिलेटेड हो और साथ ही साथ में बी जो है वो ए से आर रिलेटेड हो, तो उस स्थिति में जो संबंध मिलेगा उसे हम कहेंगे कि वह एक सिमेट्रिक रिलेशन है, अर्थात ए बी बिलोंग्स टू आर। यदि ये इम्प्लाई करता है बी ए बिलोंग्स टू आर, या इसको हम सिंबॉलिकल और ढंग से लिख सकते हैं ए इज आर रिलेटेड टू बी, ये इम्प्लाई करता है बी इज आर रिलेटेड टू ए, वेयर ए एंड बी आर एलिमेंट्स ऑफ ए, तब हम ये कहते हैं कि इस तरह का रिलेशन जो है वह एक सिमेट्रिक या सममित है। इसके उदाहरण हम लेके चल रहे हैं ए के, तो हमारे पास में 3 एलिमेंट है 2, 4, 5। पहला रिलेशन हम आर वन को डिफाइन कर रहे हैं, कैसे डिफाइन कर रहे हैं, 2, 4, 4, 2, 5, 4, 5, 5, 4। तो इसमें हमारे पास में क्या है, 2, 4 और 4, 2 हमें मिल रहे हैं। इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि R1 जो है वो कैसा है, सिमेट्रिक है। लेकिन जब हम R2 की बात करते हैं, 2, 4, 4, 2 मिल रहा है, 4, 5 और 5, 2 मिल रहा है। 4, 5 के लिए हमें देखिए R1 में 5, 4 मिल रहा है, लेकिन जब हम R2 में आ रहे हैं तो हमको मिल रहा है 4, 5 के लिए कोई हमारे पास में ऐसा एलिमेंट नहीं मिल रहा है जो कि उसके साथ में बता सके वो सिमेट्री के रूल को फॉलो कर रहा है। हमारे पास में 4, 5 है और अगला एलिमेंट 5, 2 है, जो कि इस तरह से हम ये देख रहे हैं कि R2 जो है, चूंकि उसमें 4, 5 के लिए 5, 4 नहीं है, 5, 2 के लिए 2, 5 नहीं है, इस तरह से हमारा जो दूसरा रिलेशन है वो क्या है, इज ए नॉट अ सिमेट्रिक या सममित संबंध नहीं है। इसके बाद में हमारा एक अगला टर्म आ रहा है एंटी सिमेट्रिक रिलेशन। इफ आर इज अ रिलेशन इन अ सेट ए एंड आर इज कॉल्ड एंटी सिमेट्रिक, आर जो है वो कैपिटल आर है, कैपिटल आर एक रिलेशन है जो कि ए पर डिफाइन हुआ है, वो एंटी सिमेट्रिक तब कहलाता है कि जब हम ये कहें कि ए आर बी है, बी आर ए है, यानी कि सिमेट्री प्रॉपर्टी होल्ड कर रहा है, और साथ ही साथ में यदि हम ये बता सके ए और बी जो है वे आपस में बराबर है, तो उस स्थिति में हम ये कहते हैं कि इस तरह का रिलेशन आर जो है वो एंटी सिमेट्रिक होगा। एग्जाम के लिए हम कह रहे हैं कि नेचुरल नंबर का हम सेट ले रहे हैं और हम कह रहे हैं ए इज डिविजिबल बाय बी, सो नेचुरली ए यदि बी को भाग दे रहा है तो हम ये कहेंगे बी भी ए को भाग दे रहा है। ये कब पॉसिबल है, जबकि हम ये कहेंगे कि वो क्या हो, ए इज इक्वल टू बी है, क्योंकि नेचुरल नंबर और इंटीजर्स में अंतर ये है कि इंटीजर्स में हमारे पास में नेगेटिव इंटीजर्स मिलते हैं, लेकिन जब नेचुरल नंबर्स की बात करते हैं तो हमें 1, 2, 3, 4 ही मिलते हैं, यानी पॉजिटिव नंबर मिलते हैं। तो भाग तो हम बी और बी में ए में यदि बी का भाग दे रहे हैं तो बी में ए का भाग जाएगा, लेकिन हमको रिजल्ट क्या मिलने वाला है, निगेटिव मिलने वाला है, तो उस स्थिति में हम ये नहीं कह पाएंगे कि क्या होगा, ए इज इक्वल टू बी होगा। तो ये तभी पॉसिबल है जबकि हम ये कहें कि सेट ऑफ नेचुरल नंबर में ए और बी आपस में बराबर होंगे, तभी हम ये कहेंगे कि ए आर बी एंड बी आर ए। तो इस तरह से सेट ऑफ नेचुरल नंबर के लिए हमने वो कंडीशन जो कि ए आर बी बी आर ए इम्प्लाई कर रहा है, ए इज इक्वल टू बी, ए और बी को आपस में बराबर बना रहा है, ये हमारे पास में क्या होगा, एक एंटी सिमेट्रिक होगा। इसी तरह से हम कह सकते हैं सेट ऑफ रैशनल रिलेशंस में हमारे पास रिलेशन जो दिया गया है वो लेस और इक्वल टू इज एन एंटी सिमेट्रिक रिलेशन इंटीजर्स के लिए, लेस और इक्वल जो है। उसी तरह से यदि हम सेट ऑफ कलेक्शन ऑफ सेट्स लेके चल रहे हैं तो उसमें हमारा इंक्लूजन यानी ए बी में समाहित होता है, बी ए में समाहित होता है, और देखिए इसके लिए हमने क्या कर दिया है कि ये समाहित करने के लिए या छोटा होने के लिए हमने कंडीशन और नीचे क्या डाल दी, इक्वल वाली। और ये इक्वल होने वाली बात जो है वो बड़े काम की है, क्योंकि ये इक्वल होने वाला जो रिलेशन है वही बताएगा ए और बी बराबर है या दो सेट जो है वो आपस में बराबर है। ये चीज जो है वो प्रॉपर सबसेट के लिए लागू नहीं होगी, जब हम ए इज रिस्ट्रिक्टली इंक्लूडेड या ए इज रिस्ट्रिक्टली सबसेट ऑफ बी यदि हम कहते हैं, तो उस स्थिति में हम ये रिलेशन को एंटीसिमेट्रिक रिलेशन नहीं बता पाएंगे। इसलिए हमने उस चीज को बचाने के लिए क्या किया है,
इक्वल साइन लगा दिया है, लेस और इक्वल या इंक्लूडेड एंड इक्वल। इक्वल जो है वो क्या करेगा कि सेट को या इंटीजर को आपस में बराबर बताएगा और हमारी एंटीसिमेट्री की कंडीशन जो है वो फुलफिल होगी। इसके बाद में तीसरा जो है वो है ट्रांजिटिविटी। ठीक है, ट्रांजिटिविटी में हमारे पास में तीन हमारे पास में नॉन एम्प्टी सेट्स होंगे, हम कहेंगे ए बी सी, और हम ये कह रहे हैं कि हमारे पास में क्या है, ए बी बिलोंग्स टू आर, बी सी बिलोंग्स टू आर, यदि ए सी बिलोंग्स टू आर हो रहा है तो उस स्थिति में हम ये कहेंगे कि इस तरह से क्या हो रहा है, संक्रामकता हो रही है। ए का बी से जुड़ना, बी का सी से जुड़ना ने क्या कर दिया, उसको संक्रामित कर दिया, ए को सी से जोड़ दिया या रिलेट कर दिया। तो इस तरह से हम ये कहेंगे कि ये जो है रिलेशन है वो कैसा होगा, संक्रामित होगा या ट्रांजिटिव रिलेशन होगा। इसके एग्जांपल हम आपस में हम ए के लिए कह रहे हैं कि 1 2 3, आर को हम डिफाइन कर रहे हैं 1 3 1 7 3 7, तो हमने 1 से 3 को जोड़ा, हम आपस में क्या क्या है 1 3 एंड 3 7 है, तो 1 ने 3 को जोड़ा और 3 ने 7 को जोड़ा, तो इसे हम कह सकते हैं 1 जो है वो 7 से जुड़ रहा है, और इस तरह से हम ये कह रहे हैं कि ये क्या है, ट्रांजिटिविटी हो रही है। अब इसके बाद में इन तीनों को अगर हम साथ लेके चलते हैं, यानी कि हम रिफ्लेक्सिविटी, सिमेट्री एंड ट्रांजिटिविटी, इन तीन को लेके चलते हैं, तो हमारे पास में जो रिलेशन मिलेगा वो इक्विवेलेंस रिलेशन होगा। तो ए सेट पर हम जो कि नॉन एम्प्टी है, एक रिलेशन आर को डिफाइन कर रहे हैं, और यदि वो नीचे दी हुई तीन कंडीशन को पूरा करता है तो वो तुल्यकारी संबंध कहलाता है। तुल्यकारी संबंध के लिए हमारे पास पहली कंडीशन है कि वो क्या होगा, रिफ्लेक्सिव या स्वतुल्य होगा, दूसरी कंडीशन सिमेट्री यानी कि सममित होगा, और तीसरा हमारे पास में यदि वो रिलेशन ट्रांजिटिव या संक्रामक संबंध होगा तो इन तीनों कंडीशन को पूरा करने वाला रिलेशन एक इक्विवेलेंस रिलेशन होगा। जब इक्विवेलेंस रिलेशन की बात कर रहे हैं तो उसका एग्जांपल हम आपस में कह रहे हैं कि पहला होगा इज इक्वल टू, दूसरा है कि सेट ऑफ रियल नंबर्स पे हम कह सकते हैं इज ए कॉन्ग्रुएंट टू, है ना, सेट ऑफ रियल नंबर्स में कह रहे हैं हम इज इक्वल टू, वास्तविक संख्याओं में हम कह रहे हैं कि हमारे पास में जो स्टेटमेंट दिया गया है जो कि रिलेशन का को फॉर्म करेगा वो स्टेटमेंट क्या है, इज इक्वल टू, और दूसरा हमारे पास में है कि यदि हम ट्रायंगल्स के कोप्लेनर एक तल में स्थित ट्रायंगल्स की बात कर रहे हैं तो उस स्थिति में कह रहे हैं इज कॉन्ग्रुएंट टू, यानी सम एक दूसरे को ढांकने वाले, ठीक है, समांग यदि होते हैं तो उस तरह के रिलेशन हम ये कह सकते हैं कि ये एक इक्विवेलेंस रिलेशन है। अब हम प्रॉब्लम पे आते हैं, ये सारे इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है। पहला है आर और एस दो इक्विवेलेंस रिलेशन है तो उनका इंटरसेक्शन भी एक इक्विवेलेंस रिलेशन होगा, ठीक है, इसे हम देखते हैं किस तरह से हमें इसको सॉल्व करना होगा। तो इसका सॉल्यूशन ये है कि हम ये कह रहे हैं कि यदि हमें आर इनवर्स एस को इक्विवेलेंस रिलेशन डिफाइन करना है तो इक्विवेलेंस रिलेशन की कंडीशंस जो है तीन हमारे पास में, रिफ्लेक्सिविटी, सिमेट्री एंड ट्रांजिटिविटी, इन तीनों को हम आर इनवर्स एस में डिफाइन यदि कर पाते हैं तो हम ये कहेंगे कि आर और एस के अलग अलग इक्विवेलेंस रिलेशन होने से आर इनवर्स एस भी एक इक्विवेलेंस रिलेशन होगा। रिफ्लेक्सिविटी में हम ये कह रहे हैं कि चूंकि रिफ्लेक्सिविटी में क्या होता है, ए सेट के एलिमेंट का जो एलिमेंट डोमेन का होता है वही एलिमेंट यदि उसके उसी से वह रिलेट होता है, यानी ऑर्डर्ड पेयर का पहला एलिमेंट वही है जो कि दूसरा एलिमेंट है, या दूसरा एलिमेंट वही है जो पहला एलिमेंट है, ज्यादा बेहतर ये होगा कि दूसरा एलिमेंट वही है जो पहला एलिमेंट है, तो हमारी रिफ्लेक्सिविटी होती है। तो हम कह रहे हैं ए बिलोंग्स टू ए, हमारे पास में चूंकि आर के बारे में कहा गया है कि वो कैसा है, एक रिफ्लेक्सिव है, इसका मतलब वो क्या होगा, ए ए बिलोंग्स टू आर होगा। सिमिलरली एस भी हमारे पास में कहा गया है कि इक्विवेलेंस रिलेशन है तो उसका मतलब ये होगा कि वो इक्विवेलेंस रिलेशन की पहली कंडीशन रिफ्लेक्सिविटी को मानेगा, और वो होगा हम कहेंगे कि प्रत्येक ए बिलोंग्स टू ए के लिए ए ए बिलोंग्स टू एस। अब हम आपस में ए बिलोंग्स टू ए ए बिलोंग्स टू आर है, ए ए बिलोंग्स टू एस है, इसका मतलब ये होगा ए ए बिलोंग करेगा आर इंटरसेक्शन एस में, है ना। इंटरसेक्शन की प्रॉपर्टी क्या होती है कि हम ये कहते हैं कि वो एलिमेंट जो है वो दोनों में कॉमन होते हैं, तो हमने यहाँ देखा ए ए जो है वो आर में है, ए ए एस में है, इसका मतलब ए ए जो है वो आर इंटरसेक्शन एस में होगा, जहां पर कि ए जो है वो कोई भी एलिमेंट है जो कि सेट ए में मिल रहा है। इसके बाद हमें दूसरा दिखाना है सिमेट्री।
सिमेट्री के लिए हमारे पास में चूंकि आर और एस दोनों के लिए अलग से अलग अलग हमने कहा कि ये दोनों ही कैसे हैं, इक्विवेलेंस रिलेशन है, इसका मतलब आर और एस जो है वे कैसे होंगे, सिमेट्रिक होंगे। सिमेट्रिक होंगे इसका मतलब क्या होगा कि हम कह रहे हैं ए बी यदि दो एलिमेंट है जो कि ए में मिल रहे हैं, आर की सिमेट्री हमें ये बताती है कि यदि ए बी बिलोंग कर रहा है आर में तो हम कहेंगे कि बी ए बी जो है वो आर में मिलेगा। सिमिलरली एस बी जो है वो इक्विवेलेंस है, इसका मतलब सिमेट्रिक है, और हम कहेंगे कि यदि ए बी बिलोंग कर रहा है एस में इसका मतलब होगा बी ए बी बिलोंग करेगा एस में। ये डेफिनेशन है हमारे पास में सिमेट्री होने की। अब हमारे पास में ए बी बिलोंग कर रहा है ए के लिए हम ये दे रहे हैं ए बी बिलोंग्स टू आर इंटरसेक्शन एस, इम्प्लाई कर रहा है कि ए बी बिलोंग्स टू आर एंड ए बी बिलोंग्स टू एस। अब आर और एस के सिमेट्रिक होने की कंडीशन से हम ये कहेंगे कि बी ए बिलोंग्स टू आर, बी ए बिलोंग्स टू एस। अब हमारे पास बी ए जो है वो कॉमन एलिमेंट है जो कि आर और एस दोनों में मिल रहा है, तो इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि बी ए बिलोंग करेगा आर इंटरसेक्शन एस में। और इस तरह से हमने कहा कि ये जो है ए बी जो है वो कहां में मिल रहा है हमारे पास में, ए बी यदि आर इंटरसेक्शन एस में मिल रहा है तो हमने देखा कि बी ए भी आर इंटरसेक्शन एस में मिल रहा है, इसका मतलब आर इंटरसेक्शन एस एक ऐसा रिलेशन है जो कि सममितता की कंडीशन या सिमेट्री की कंडीशन को मान रहा है। तीसरा हमारे पास में ट्रांजिटिविटी है। ट्रांजिटिविटी के लिए हम ये कह रहे हैं कि हमारे पास में आर और एस कैसे हैं, इक्विवेलेंस रिलेशन है, इसका मतलब वो जो है क्या किसको फॉलो करने वाले हैं, रिफ्लेक्सिविटी, सिमेट्री एंड ट्रांजिटिविटी। इसका मतलब ये होगा कि जिस तरह से हमने सिमेट्री को डिफाइन किया उसी तरह से हम बता सकते हैं कि आर और एस यदि पृथक पृथक ट्रांजिटिव है या संक्रामक है तो उनका इंटरसेक्शन भी कैसा होगा, सिमेट्रिक होगा, ट्रांजिटिव होगा। अब इसके बाद में दूसरा एक और इम्पोर्टेंट प्रॉब्लम है कि यदि हम ये कह रहे हैं कि आर यदि इक्विवेलेंस रिलेशन है तो उसका इनवर्स भी कैसा होगा, एज एन इक्विवेलेंस रिलेशन होगा। तो हम सॉल्यूशन में देखें कि हम ये आर को यदि आर हमें यदि इक्विवेलेंस रिलेशन दिया गया है और वो नेचुरली किसी किसी सेट पर डिफाइन होगा तो हम ए कह रहे हैं कि वो ए पर डिफाइन हो रहा है। आर इनवर्स को यदि हमें बताना है कि ए पर ही वो कैसा है, इक्विवेलेंस रिलेशन है, तो हमको उन्हीं तीनों कंडीशन को जो कि इक्विवेलेंस रिलेशन के लिए कंपलसरी है या जरूरी है उनको हमें शो करना होगा। तो पहला है हमारे पास में आर इनवर्स को हम रिफ्लेक्सिव बताएं, आर इनवर्स को स्वतुल्य बताएं। तो स्वतुल्यता बताने के लिए हमारे पास में कंडीशन है कि चूंकि हम आर के बारे में कह चुके हैं कि वो कैसा है, रिफ्लेक्सिव है, तो ए ए बिलोंग्स टू ए, तो इसका मतलब होगा कि ए ए जो है आर में मिलेगा, ए ए बिलोंग्स टू आर, तो हमारी आर की रिफ्लेक्सिविटी हम आर इनवर्स के आर चूंकि हमारे पास में एक इक्विवेलेंस रिलेशन है यानी कि वो रिलेशन है तो अपना इनवर्स रिलेशन रखेगा। और इस तरह से हम ये कहेंगे कि हमने ए ए को म्यूचुअली एक्सचेंज कर दिया, यानी डोमेन के ए को ए जो है वो रेंज ए बना और रेंज ए जो है वो डोमेन ए बना। तो इस तरह से हम आपस में ए ए बिलोंग्स टू आर के लिए हम कह सकते हैं ए ए बिलोंग्स टू आर इनवर्स। सिमिलरली तो ये हम आपस में हुआ कि चूंकि ए बिलोंग्स टू ए में हम कह रहे हैं कि ए ए बिलोंग्स टू आर इनवर्स, देयरफॉर आर इनवर्स इज रिफ्लेक्सिव। ठीक, आर इनवर्स कैसा होगा, ए ए बिलोंग्स टू आर इनवर्स का मतलब ये होगा ए आर इनवर्स ए। और इस तरह से हम ये कहेंगे कि ये जो है आर यदि हमारा रिफ्लेक्सिव है तो आर इनवर्स भी रिफ्लेक्सिव होगा। अब दूसरा हमारे पास में आर इनवर्स इज सिमेट्रिक। सिमेट्री डिफाइन करने के लिए हम ये कहेंगे कि हमारे पास में ए के दो एलिमेंट है और उनके लिए कंडीशन है ए आर बी, यानी कि ए बी बिलोंग्स टू आर। तब हम ये कहते हैं कि यदि ए बी बिलोंग कर रहा है आर में तो इम्प्लाई करेगा बी ए बिलोंग्स टू आर इनवर्स। ये हमारी डेफिनेशन है द इनवर्स की। अब हम आपस में ए बिलोंग्स टू आर इम्प्लाई कर रहा है बी ए बिलोंग्स टू आर, ये हमारी आर की सिमेट्री को डिफाइन कर रहा है। ये इम्प्लाई कर रहा है हम आपस में कि ए बी बिलोंग्स टू आर इनवर्स। जब बी ए मिल रहा है तो हम आपस में क्या होगा, बी ए आर में मिल रहा है, तो इसका मतलब ए बी कहाँ मिलेगा, आर इनवर्स में मिलेगा। और इस तरह से हमारे पास में आर इनवर्स जो है वो कैसा होगा, एक सिमेट्रिक रिलेशन होगा। ठीक है, तो हमारे पास में इसको और दूसरे ढंग से हम कह सकते हैं कि बी ए बिलोंग्स टू आर इनवर्स इम्प्लाई कर रहा है ए बी बिलोंग्स टू आर इनवर्स। और इस तरह से हमारे पास में आर इनवर्स को हमने सिमेट्रिक डिफाइन किया। ट्रांजिटिविटी डिफाइन करने के लिए हम ये कह रहे हैं कि हमारे पास में ए बी बिलोंग्स टू आर,
बी सी बिलोंग्स टू आर, तब हमारी ट्रांजिटिविटी क्या कहती है कि ए सी बिलोंग्स टू आर। ए सी बिलोंग्स टू आर इसका मतलब ये होगा कि हम ये कह रहे हैं ए बी बिलोंग्स टू आर, बी सी बिलोंग्स टू आर, तो उसके इन्वर्सेज यदि हम ले रहे हैं तो बी ए बिलोंग्स टू आर इनवर्स, सी बी बिलोंग्स टू आर इनवर्स। अब हमारे पास में ए बी बिलोंग्स टू आर है, बी सी बिलोंग्स टू आर है, ट्रांजिटिव आर के ट्रांजिटिव होने के कारण हम ये कह सकते हैं कि ए सी बिलोंग्स टू आर, या हम कह रहे हैं कि आर इसका हम अपोजिट कर लें, यानी डोमेन को रेंज, रेंज को डोमेन में कन्वर्ट कर ले तो सी ए का हमारे पास में आर इनवर्स में मिलेगा, और ये हम आर इनवर्स यानी कि प्रतिलोम संबंध के आधार पर कह रहे हैं कि डेफिनेशन से कह रहे हैं। अब सी बी बिलोंग्स टू आर इनवर्स, बी ए बिलोंग्स टू आर इनवर्स, इसका मतलब क्या होगा सी ए बिलोंग्स टू आर इनवर्स। हमने क्या करा, बी एलिमेंट जो है वो पहले कलेक्शन का या पहले ऑर्डर पेयर का हमने रेंज बनाया, दूसरे ऑर्डर पेयर का हमने डोमेन बनाया, और इस तरह से हमने आर को वहां से हटा दिया, कंपोजिट कर दिया, और इस तरह से हमारे पास में क्या हुआ सी ए बिलोंग्स टू आर इनवर्स, और यही डेफिनेशन हमारी ट्रांजिटिविटी की होती है। तो हमने देखा कि यदि आर यदि हमारा ट्रांजिटिव है तो आर इनवर्स भी ट्रांजिटिव होगा। तो आर इनवर्स के रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव होने के कारण हमें जो रिजल्ट मिला वो ये हुआ कि ये हमारा आर इनवर्स जो है वो कैसा होगा, एक इक्विवेलेंस रिलेशन होगा। अब हम एक और प्रॉब्लम देख रहे हैं, हमारे पास में प्रॉब्लम ये दिया गया है कि आर एक रिलेशन है जो कि सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स एन पर डिफाइन हो रहा है, और उसे कैसे डिफाइन किया, हमारे पास में रिलेशन ये है कि ए स्क्वायर माइनस ऑफ फोर ए बी प्लस थ्री बी स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो, जहां पर कि चूंकि हम ये कह रहे हैं कि सेट ऑफ नेचुरल नंबर है तो नेचुरली यहाँ पर ए और बी जो कि हमारे चर राशियां हैं, वेरिएबल्स हैं, वो क्या होंगे नेचुरल नंबर्स होंगे। इसके लिए कहा गया है इज अ रिफ्लेक्सिव बट नाइदर सिमेट्रिक नॉर ट्रांजिटिव, ये स्वतुल्य तो है लेकिन सममित और संक्रामक नहीं है। तो सबसे पहले हम देखें कि क्या ये रिफ्लेक्सिव है अथवा नहीं, तो हमारे पास में होगा कि ए आर ए, चूंकि हमारे पास में क्या दिया गया रिलेशन ए स्क्वायर माइनस ऑफ फोर टाइम्स ऑफ ए बी प्लस थ्री बी स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो, इसमें हम रखें ए को ए से रिलेट करें, जहां पर बी है वहां पर भी हमें ए लिखना है, तो हमारे पास में क्या मिला ए स्क्वायर माइनस ऑफ फोर टाइम्स ऑफ ए प्लस थ्री ए स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो, इक्वेट हो रहा है ना, हमारे पास में यहाँ फोर ए स्क्वायर मिल रहा है नेगेटिव का और पॉजिटिव का फोर ए स्क्वायर मिल रहा है, तो इस तरह से हमारा इक्वेशन जो है वो बैलेंस हुआ, और हम ये कह सकते हैं कि ये जो हमें कंडीशन दी गई है या जो हमारा रिलेशन है वो क्या है ए स्क्वायर माइनस ऑफ फोर टाइम्स ऑफ ए बी प्लस थ्री बी स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो, ये कैसा है एक रिफ्लेक्सिव है। अब हमें सिमेट्री बतानी है, सिमेट्री बताने के लिए हमारे पास में क्या है ए आर बी इज इक्वल टू बी आर ए, ये हमें डिफाइन करना है, ए यदि बी से आर रिलेटेड है तो बी भी ए से आर रिलेटेड होगा, ये हमें दर्शाना है। तो उसके लिए हमने कहा कि हमारे पास में ए आर बी कैसे डिफाइन किया गया, हमें स्टेटमेंट में दिया गया है कि वो ए स्क्वायर माइनस ऑफ फोर ए बी प्लस थ्री बी स्क्वायर इक्वल टू जीरो होता है, यदि हम बी आर ए करते हैं तो बी स्क्वायर माइनस ऑफ फोर टाइम्स ऑफ बी ए एंड प्लस थ्री टाइम्स ऑफ ए स्क्वायर, और ये इस तरह से नेचुरल नंबर में आप करके देखिएगा इस तरह का रिलेशन जो है वो पॉसिबल नहीं है कि हम ये कहें कि यदि हम ए को बी से रिप्लेस कर दे तो भी ये दोनों इक्वेशन जो है वो आपस में बराबर होंगे, तो ए स्क्वायर माइनस ऑफ फोर ए बी प्लस थ्री बी स्क्वायर कैन नॉट बी इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस ऑफ फोर बी ए प्लस थ्री ए स्क्वायर, इस तरह से हमने कहा कि ए आर बी कैन नॉट बी इक्वल टू बी आर ए फॉर द सेट ऑफ नेचुरल नंबर, और इस तरह से हमारे पास में कह सकते हैं कि ये आर जो कि सेट ऑफ नेचुरल नंबर पर इस तरह के रिलेशन से डिफाइन किया गया है वो एक सिमेट्रिक रिलेशन नहीं है। ट्रांजिटिविटी दिखाने के लिए हमारे पास में तीन एलिमेंट का जरूरी है मिलना, हम एन में कह रहे हैं कि तीन एलिमेंट ए बी सी है, ए आर बी बी आर सी डिफाइन यदि करते ए आर सी तो हम ये कहते हैं कि ये क्या है आर एक ट्रांजिटिव है। ए आर बी को हमने जैसे डिफाइन दिया गया है हाइपोथेसिस में है कि वो कैसा लिखा जाता है इन रिलेशन ए स्क्वायर माइनस ऑफ फोर टाइम्स ऑफ ए बी प्लस थ्री बी स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो, बी आर सी हमें डिफाइन करना है तो इसी टर्म में होगा, तो ये होगा बी स्क्वायर माइनस ऑफ फोर टाइम्स ऑफ बी सी प्लस थ्री सी स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो।
अब हमें क्या करना होता है, इसमें जब हम ट्रांजिटिविटी करते हैं तो बीच के एलिमेंट को हम हटा देते हैं। बीच का एलिमेंट क्या है, ए जो है वो आर से रिलेट, ए जो है वो बी से रिलेट हो रहा, बी जो है वो सी से रिलेट हो रहा, तो हमें क्या करना होगा, किसी तरह से बी को हटाना होगा, बी को इलिमिनेट करना होगा। बी को इलिमिनेट करने के लिए हम क्या कर रहे हैं, बी स्क्वायर की वैल्यू को निकालना चाह रहे हैं। तो बी हम आपस में मिल रहा है वो होगा 9c² माइनस ऑफ ए स्क्वायर अपॉन 12c माइनस ऑफ 4a। इसको अगर हम इक्वेशन पहले इक्वेशन में रखें तो हमारे पास में क्या मिल रहा है, ए आर बी इज नॉट इक्वल टू ए आर सी। टाइम हो रहा है, यदि किसी बच्चे का प्रश्न है तो स्वागत है, आप लोग प्रश्न पूछ सकते हैं। आप लोगों से प्रश्न अपेक्षित है, कृपया प्रश्न पूछिए। एनी क्वेश्चन फ्रॉम नीमच पीजी कॉलेज, पीजी गर्ल्स रीमा, पीजी कॉलेज छिंदवाड़ा, कोई प्रश्न हो तो पूछिएगा। होशंगाबाद कॉलेज, ओके देन गुड बाय।